यार देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है इसराइल के कम्युनिस्ट सोच के नवाल लैपिड नाम के व्यक्ति के खिलाफ है, जो फिल्म मेकर है, जिसने गोवा के अंदर जो फिल्म फेस्टिवल हुआ उस फिल्म फेस्टिवल के अंतिम दिन समापन के समय उसने फिल्म जो बनी है कश्मीर फाइल्स, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, उस फिल्म के बारे में कहा कि यह एक झूठी फिल्म और एक प्रोपेगेंडा है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और उनके बयान के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ कम्युनिस्ट सोच के लोगों ने उसका समर्थन किया है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और कश्मीर के चैनलों ने इसको प्रमुखता से इसको आगे ले जाने का काम जो है, उनके बयान को हाईलाइट करने का काम किया है, उसका भी हम विरोध करते हैं। जबकि विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि अगर मेरी फिल्म के अंदर कुछ भी अंश झूठे होंगे तो वो जिंदगी भर कभी फिल्म नहीं बनाएंगे। जब पूरे कश्मीरी समुदाय ने, जिनके ऊपर ये चीजें बीती हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, जिन्होंने अपनी संपत्ति को खोया है, जिन्होंने इस दंश को सहा है, उन लोगों ने इस फिल्म को देखकर रो रो कर बताया था कि ये बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। तो ये लोग कौन होते हैं इसके ऊपर टिप्पणी करने वाले? ये एक हवा देने का काम जो है वो हिंदुस्तान के अंदर किया जा रहा है, और इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा के तहत झूठा करार देने का काम जो है वो भी किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने भी जो है बयान दिया है कि भाईचारा जो है वो खत्म करने का काम जो है इस फिल्म के माध्यम से किया गया, जिसके अंदर प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री, कई लीडरों का जो है वो नाम लेकर कहा गया कि इन्होंने इस फिल्म को बढ़ावा दिया। अरे जो सच्ची घटना होगी उसको बढ़ावा भी मिलेगा, उसको हिंदू समाज समाज के आगे ले जाने का काम करेगा। देखिए विश्व पटल के अंदर हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश जो है ये की जा रही है। ये नवाब लैपिड जो है ये एक कम्युनिस्ट सोच का व्यक्ति है, और इसराइल सरकार के खिलाफ भी ये है, लगातार जो है वो बोलता रहता है। लेकिन इसराइल सरकार ने इसके ऊपर माफी मांगी है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने भारत सरकार से माफी मांगी है। लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कम्युनिस्ट सोच के लोग जो उसके बयान को लेकर जो है एक हवा देने का काम कर रहे हैं और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी चेतावनी है और सरकार से हमारा निवेदन है कि जो ऐसे बयानों को हवा